2016 लोगों को बैलेट किया है वो तमाम के तमाम 2008 से हमारे सफर कर रहे हैं और वो बड़े काफी पुराने इफेक्टिंग हैं जिनको हमने प्रायोरिटी दी है। बहरहाल ये सारे वो क्लेम्स हैं जो ओवर द बेस्ट टाइम वेरीफाई हो जाएंगे, लेकिन सो फार जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हैं। अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि 8 मरले की बैलेटिंग कब होगी। 8 मरले की बैलेटिंग के अंदर जो डेड लॉक आया है वो आया इस वजह से है कि वो जमीन परचेज के अंदर एक प्रॉब्लम आया है जिसको DHA एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इस टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 days सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा और मैं आपके सामने वो तमाम हकायक भी रख दूंगा और उसके बाद स्ट्रेटजी जो होगी वो इफेक्टिव बनाएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो भी मेजॉरिटी इफेक्टिव कहेंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ चलेंगे। हमेशा से हमारे जमहूरी माहौल है, हम हमेशा से सबको साथ लेके चलते हैं और आगे भी सबको साथ लेके चलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। वंस अगेन तमाम तर जो इफेक्टिव जो बैलेट हो गए हैं आज उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक कल उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।